हाय गाइस, आई एम साक्षी भावा एंड यू वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कल सो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा सो so दैट आपको क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिले ओके एंड दिस इज़ योर एरर डिटेक्शन सीरीज जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिकॉज़ क्या है कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं ग्रामर के तो जिन भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है ना ग्रामर में सब कुछ सोल्यूशन इसमें मिल जाएगा ओके okay? चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर दे दीजिएगा और uh, दूसरी चीज़ है कि जैसे ही क्वेश्चन लगेगा वैसे ही आप पॉज करेंगे वीडियो को और अटेम्प्ट करेंगे ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है बट इफ द नेक्स्ट जनरेशन कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन ऑफ माइंड बॉडी बैलेंस वी मस्ट हैव लेस ऑफ मेंटल हेल्थ सिस्टम ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन सिस्टमिक तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उसका रीजन ये है कि आप देखिए मॉडल का गलत इस्तेमाल हुआ है ठीक है आप देख रहे हो कि मस्ट का मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए राइट जबकि हम ऐसा नहीं बोलना चाहते हम कह रहे हैं कि भाई अगर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक्सरसाइज़ की सॉरी uh, रेस्ट की इम्पॉर्टेंस समझती है ठीक है ना कम्युनिकेशन ऑफ कनेक्शन बिल्ड करने की इम्पॉर्टेंस समझती है देखिए यहाँ पर ऑफ कॉमन भी हो सकता था बट उन्होंने चूज़ किया है कि आपको हर जगह देंगे वो ऑफ सो इट्स ओके उसमें कुछ गलत नहीं है ठीक है ना उसको मत माफ कर दीजिएगा गलत तो वो कह रहे हैं कि अगर वो इम्पोटेंस समझ सकते हैं रेस्ट की कम्युनिकेशन और कनेक्शन की माइंड और बॉडी के बैलेंस की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं तो आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि यू नो वी विल हैव सो यहाँ पर हमारा जो मॉडल है ना वो विल लगेगा यू नो इनफैक्ट मे भी लग सकता है सो वी मे हैव लेस ऑफ अ मेंटल हेल्थ सिस्टमिक ब्रेकडाउन की ऐसी पॉसिबिलिटी है यू you नो know, कि मेंटल हेल्थ सिस्टमिक ब्रेकडाउन जो है वो लोगों का नहीं होगा क्योंकि उनको पता है कि हाँ रेस्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन लोगों से करना बहुत ज़रूरी है अपनी माइंड और बॉडी को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है तो उससे क्या होगा मेंटल हेल्थ उनकी हमेशा अच्छी रहेगी एंड ब्रेकडाउन नहीं होगा ठीक है तो अब यहां पर आप देखो मस्ट का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही गलत है अब देखिए विल हम इसलिए लगा सकते हैं कि हाँ हम बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आगे जाकर ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत कम है तो फ्यूचर में है ना तो इसलिए विल लगा रहे हैं ठीक है थीके? अच्छा ऑन ऑन सेकंड थॉट्स हम मे भी लगा सकते हैं यहाँ पर कि हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि देखिए अब जरूरी भी नहीं है कि हो सकता है ठीक है तो अगर आप इंपॉर्टेंस समझते हो तो हो सकता है कि सिस्टमिक ब्रेकडाउन लोगों को ना हो तो यहाँ पर मे भी लग सकता है बट मस्ट तो किसी कीमत पर नहीं लग सकता है तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिसमें मस्ट तो हटेगा ही हटेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट वन

यू नो इन अ कन्फ्यूजन इन योर माइंड आपका माइंड बहुत शांत है तो वो यही बोल रहे हैं कि ये कहने की बजाय देखने की बजाय कि भाई यू you नो know, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है कहाँ हम एज इंडिविजुअल सोसाइटी गलत जा रहे हैं जो अडल्ट थिंग हमारे लिए होगी करने के लिए अडल्ट थिंग मतलब uh, बड़प्पन जिसको कहते हैं ना सो so, बड़प्पन वहीं पर होगा ज टू मेंटेन होगा यहां पर क्योंकि आप देख रहे हो वी वन तो आपने दे दिया है टू जो है वो आपने मिस कर दिया सो टू so, आएगा वहां पर और हमारे लिए अभी बड़प्पन वाला काम क्या होगा कि हमें काम और कंपोज स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अपने लिए बनाए इंस्टेड ऑफ सो मच कंफ्यूजन इन द माइंड ठीक है सो इज टू मेंटेन होगा वहां पर ओके okay? ओके द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 सिक्सटी इज अ रिच एंड डिटेल डॉक्यूमेंट लिस्टिंग अ वाइड वराइटी ऑफ क्राइम्स दैट द नेटिव टाइम वर प्रोन टू कमिट सो इंडियन पीनल कोड नाइनटीन सॉरी एटीन सिक्सटी का एक रिच और डिटेल डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें बहुत सारा क्राइम्स के बारे में सो वैरायटी ऑफ क्राइम्स जो है वो लिस्टेड है कि भाई ये ये क्राइम्स होते हैं दैट द नेटिव्स ऑफ दैट टाइम नेटिव्स मतलब जो उस टाइम के लोग थे दे देवर प्रोन टू कमिटिंग अब देखिए यहाँ पर वी वन प्लस आई एन जी क्यों लगाना है क्योंकि तो प्रोन टू तो एक फ्रेजल वर्ब है एंड uh, उसको चेक करने के लिए आप देख ही सकते हो कि भाई दिस एरिया इज़ प्रोन टू फ्लड्स अब अगर आपको ये नहीं आता है कि कैसे फाइन करना है कि कहां पर मैम टू के बाद v1 वन प्लस आई एन जी आता है क्योंकि मैम हमें तो यही पता है कि टू के बाद v1 वन आता है तो ब्रेकिंग न्यूज ग्रामर बाहित ऑलरेडी मैं बना चुकी हूं जाकर चेक कीजिए मेरे चैनल पर आ, पहला ही लेसन उसका बनाया था प्ले लिस्ट बनाई हुई है कि वी वन प्लस आई एन जी कहाँ लगाते हैं वेयर डू पुट वी वन प्लस आई एन जी सो so, यहाँ पर वी वन प्लस आई एन जी लगेगा उसका ट्रिक सिखाया है कि आपको टू के बाद नाउन लगाकर चेक कर लेना चाहिए तो ऑफकोर्स हम कह सकते हैं ना भाई दिस एरिया इज प्रोन टू अर्थ क्वेक या दिस एरिया इज प्रोन टू फ्लड तो हम ये बोल सकते हैं जब तो यहाँ पर जो भी हमारा वर्ब आएगा वो आई एन जी में आएगा तो यहाँ कमिटिंग होगा कमिट नहीं होगा ठीक है डिटेल्स ऑफ़ कोर्स आप उस लेसन uh, में जरूर देख लीजिएगा ताकि आप खुद भी फाइंड कर अ ब्रिस्क वॉक फॉलोड शॉर्ट रन एंड अ क्विक हॉप विच गेट्स मोर स्लोली सो या ट्रैम एक्चुअली में बस काइंड ऑफ़ वेहीकल होती है जो बहुत स्लोली uh, चलती है तो हो वो मजाक भी उड़ा रहे हैं इसका कि एक्चुअली में इसमें एरर तो यही है कि फॉलोड विद नहीं होता फॉलोड बाय होता है ठीक है ना सो दैट मीन्स उसके बाद आप ये करते हैं सो so कह रहे हैं कि अगर आपको ट्रैम पकड़ना है जैसे वाली बस पकड़नी है तो आप ब्रिस्क वॉक करिए ठीक है धीरे धीरे चलिए एंड फॉलोड सो फॉलोड बाय अ शॉर्ट रन सो ऑफकोर्स ब्रिस्क मतलब कि थोड़ा स्पीड में आप चलते हैं ठीक है थोड़ा स्पीड में आप चले एंड देन Uh, थोड़ा सा शॉर्ट रन भी किया आपने एंड जल्दी से आपने uh, हॉप कर लिया जंप करके आप चढ़ गए उसके ऊपर और आप व्हीकल पे आप चढ़ गए दैट विल मूव फार मोर स्लोली देन यू मतलब आप अगर चलेंगे तो उससे तेज चल देंगे uh, ट्रैम बहुत हल्का चलता है बहुत धीरे चलता है तो फॉलोड बाय आपका आंसर है और ट्रैम की फोटो भी लेके आई हूं मैम दिस इज अ ट्रैम सो ये एक्चुअली बहुत धीरे चलती है ठीक है ऑल राइट Next one. An uncle of mine who ran a large business empire and I was waiting to board a train at a suburban station and as the tra train was delayed my uncle wished to rest. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश की है ठीक है कि बीच में ये हु लगा दिया है ठीक है ये एंड लगा दिया तो काफी स्टूडेंट सोचेंगे अरे हाँ ब्रैकेट बनाओ यहाँ पे एज वेल एज टुगेदर विद नहीं लगा हुआ है तो ये वॉस सही नहीं है यहाँ पर वर होगा आपने एंड से कनेक्ट किया है अंकल ओ, अंकल को और मुझे है ना सो अ लार्ज बिजनेस एम्पायर ऑफकोर्स अंकल मेरे अंकल जिन जो एक लार्ज बिजनेस एम्पायर रन करते हैं और मैं हम लोग वेट कर रहे थे भाई कि हम बोर्ड करेंगे ट्रेन को और क्योंकि ट्रेन लेट हो गई तो अंकल को रेस्ट करना था तो एंड से कनेक्ट हुआ इसलिए यहाँ पर वर ही लगेगा टुगेदर वेद अलोंग विद से नहीं हुआ है सो कंफ्यूज मत होना द डे आफ्टर मिस्टर करुणा निधि पास्ट अवे देयर वॉज एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऑन माई हाउस एंड इट नीडेड इमिजिएट रिपेयर तो देखिए सब कुछ ठीक है रिपेयर इज अउन इमेज इट इज एडजेक्टिव फॉल्ट इन द हाउस होता है ना कि ऑन द हाउस तो घर में फॉल्ट होती है ऑन द हाउस नहीं होती है बाकी सब कुछ ठीक है ठीक है आई केम टू हेल्प यू आउट नॉट बिकॉज यू were गोइंग टू पे मी फॉर my सर्विसेज फॉर आई truly was touched बाय द मैनर यू डिड द रिक्वेस्ट अब देखिए फॉर यहां पर इसलिए जैसे हम कंजंक्शन में यूज करते हैं ना इन्फर करने के लिए ठीक है कि जैसे हम बोलते हैं ना बिकॉज वैसे ही फॉर का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हेल्प करने इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम मुझे मेरी सर्विसेज के लिए पे करने वाले थे कि मतलब मुझे पेमेंट तुमसे मिलती इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करने आऊ नो no, मैं उस मैनर से बड़ा टच हो गया था जिस मैनर में तुमने रिक्वेस्ट मेक की थी तो क्योंकि पास्ट है तो मेक द रिक्वेस्ट मेड द रिक्वेस्ट होगा यू मेक द रिक्वेस्ट यू डोंट डू द रिक्वेस्ट ठीक है ना यू मेक द रिक्वेस्ट ओके कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट इस तरह से आप बोलते हैं ये नहीं बोलते यू कैन आई डू अ रिक्वेस्ट सो यहाँ पर ये वर्ड ही गलत है वो कह रहा है मैं तुम्हें हेल्प पैसों के लिए नहीं करने आया कि तुम मुझे पैसे तो दोगे ही मैं इसलिए हेल्प करने आया क्योंकि तुमने किस तरह से मुझे रिक्वेस्ट मेक की उससे मैं बड़ा टच हो गया ठीक है तो फॉर का इस्तेमाल यहाँ पर जैसे बिकॉज का इस्तेमाल होता है ना बिल्कुल वैसे ही हो रहा है क्योंकि मैं टच था जिस मैनर से तुमने रिक्वेस्ट करी तो फॉर का मतलब यहाँ पर के लिए नहीं है समझ लेना वो कंजंक्शन की तरह यूज हुआ पर रियली क्यूट टाउन सो ये का शॉर्ट फॉर्म है इनफैक्ट यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है तो इसको जरा सा देख लिया करो तो बिल्कुल ठीक है वो इट्स रियली क्यूट टाउन एंड आई लाइक इट बाय इफ लार्ज बट इट्स जस्ट सो फार फ्रॉम ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स इन सिटी देखिए बाय इफ लार्ज कुछ नहीं होता बाय एंड लार्ज होता है बाय बाय एंड लार्ज का मतलब होता है इन टोटेलिटी ठीक है तो कंप्लीट अगर हम देखें तो बड़ा पसंद है मुझे तो क्यूट टाउन है बड़ा अच्छा है ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं सिटी में उनके घर से बड़ा दूर है दैट्स ओनली प्रॉब्लम अन नाथ जी डिसाइड्स टू फाइट फ्रॉम माई सीट आई विल रिजाइन टू क्लियर द वे फॉर हिम वी ऑल वॉन्ट हिम टू फाइट फ्रॉम हियर काफी विजिबल एरर है एज soon एज आपका होता है एज soon एज का मतलब होता है जैसे ही ठीक है सो so, यहाँ पर एज लग जाएगा so as as सो so जैसे ही नाथ जी डिसाइड करते हैं और एज सुन एज के साथ कुछ भी नहीं लगता है कॉम्बिनेशन में ठीक है तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो वो बिल्कुल ठीक है जैसे ही वो डिसाइड करते हैं मैं उनके लिए रास्ता क्लियर कर दूंगा और हम चाहते हैं कि वो फाइट करें ठीक है द बेस्ट वे

ठीक है दैट्स इट फॉर दिस क्लास मुझे स्कोर जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में एंड बाकी कॉम्बैट टेस्ट का लिंक आपको ना मेरे चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर साक्षी ट्वेंटी फोर कोड यूज उस करके उसको अनलॉक करिएगा एंड जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में आपको मैंने एक लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है उस पर ऑलरेडी डिस्काउंट कोड लगा हुआ है बैचेस सारे, की सारे upcoming के सारे अपकमिंग के बैचेस के अपकमिंग एग्जाम्स के प्री प्लस मीन्स के लिए आपका लॉन्च uh, किया गया है सो मेक श्योर कि आप उसका फ़ायदा उठाएं दिस इज द कोड जो यूज़ करना है बाकी एक ऑफर चल रहा है ट्वेल्व मंथ्स पे फोर मंथ्स फ्री uh, मिल जाएगा आपको एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स पे सिक्स मंथ्स फ्री मिल जाएगा ठीक है सो so, ये ज़रूर से ले लीजिएगा एंड एडिटोरियल डू नॉट मिस एट एनी कॉस्ट क्योंकि इससे आपकी मेन्स की बहुत अच्छी तगड़ी प्रेपरेशन हो जाएगी रीडिंग की हैबिट आपकी इसी से बनेगी सात बजे सुबह होगा द बैंक चैनल पर ओके दैट इट फॉर दिस क्लास थैंक यू सो मच ऑन माइंडिंग आप क्लास को लाइक करके